अरे गाइस, आप सबको पता है क्या, यहाँ पर रेड हल्क और ग्रैंडफादर की फैमिली में बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई है। और ये क्या गाइस, यहाँ पर ग्रैंडफादर की तो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली थी, ये बेचारे ऐसे बेहोश कैसे पड़े हैं। लगता है गाइस रेड हल्क की फैमिली ने हमारे ग्रैंडफादर की फैमिली को हरा दिया है और ये सब यहाँ पे बेहोश पड़े हैं। हमको इन्हें जल्दी बचाना होगा, कहीं दोस्तों ये हमें छोड़ के ना चले जाए। गाइस प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, नहीं तो गाइस हमारे प्यारे दोस्त हमें छोड़ जाएंगे। ये दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली में से एक माने जाते हैं। अरे बाप रे बच्चे, क्या हुआ हमारी यहाँ पर? उस रेड हल्क से लड़ाई हो गई थी, लेकिन उसने धोखा कर दिया हमारे साथ, हमारे पानी में कुछ मिला दिया और उसकी वजह से हम सब बेहोश हो गए। ओ, तो इसका मतलब आपको धोखा दिया गया था? बिल्कुल सही कहा बच्चे, नहीं तो हम बहुत ही खतरनाक फैमिली है, हम तो एक एक की बैंड बजा सकते हैं। इस बार अगर वो रेड हल्क मिला तो उसको छोड़ोगा नहीं। मैं बहुत ही स्ट्रांगेस्ट हूँ, मेरी बेटी बेटा सब बेहोश, इनको उठाना पड़ेगा। प्लीज ग्रैंडफादर जी, मुझे भी अपनी फैमिली में ले लीजिए ना, मैं भी स्ट्रांगेस्ट बनना चाहता हूँ आपकी तरह। उसके साथ ना फिर हम सब साथ मिलके उस को हराएंगे। लेकिन बच्चे उसके लिए वीडियो को लाइक करवाना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब, उसके बिना तो नहीं आ सकता। हाँ वो मैंने करवा दिया है पहले ही, तो गाइस प्लीज जल्दी आप वीडियो को लाइक कर देना अभी नहीं किया हो, और चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि बहुत जरूरी है, तभी मैं इनकी फैमिली का हिस्सा बन सकता हूँ, तभी मैं ताकतवर फैमिली का हिस्सा बन सकता हूँ और ताकतवर हल्क बन सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन तूने, मैं बहुत ताकतवर हूँ अपने भाइयों से भी। तो गाइस शी हल्क बोल रही है कि अपने भाई से भी ज्यादा ताकतवर है। तो गाइस यहाँ पर हमारे ग्रैंडफादर हल्क बता रहे हैं कि ये कुछ खतरनाक सा रैंप है यहाँ पर, हमें इस पर चल के जाना होगा या बाइक लेके जाना होगा, वो हमारी मर्जी है। लेकिन दोस्तों ये रैंप तो कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और बाप रे, सही कहा बच्चे, रैंप बहुत ही खतरनाक है, जो भी एंड तक पहुंच पाएगा इस फैमिली का ताकतवर मेंबर बन पाएगा और उसको एक अपग्रेडेशन मिलेगी। ठीक है पापा जी, मैं जाता हूं पहले। तो गाइस हमारा मॉन्स्टर ग्रीन हल्क तो निकल चुका है सफर पे, अब देखना ये है क्या ये सच में जीत पाएगा या नहीं। अब फ्रैंकलिन बिल्कुल जीत कर दिखाऊंगा मैं, तू देखता रहा, मैं बहुत ही ज्यादा फास्ट हूँ। अरे तुझसे ज्यादा फास्ट मैं होंगी भाई, तू देख लेना मैं जीत जाऊंगी। अच्छा ऐसी बात है, शी हल्क देखेंगे कौन जीतेगा। तो गाइस यहाँ पर हम सारे भाई बहनों में बहुत ही बहस चल रही है। चल फ्रैंकलिन, तू मेरा भाई नहीं है, तू तो नूबड़ा है। अरे गाइस यहाँ पर बेचारा मॉन्स्टर ग्रीन हल्क तो गिर गया और ये शी हल्क तो पता नहीं क्यों मुझसे चिड़ी रहती है। अरे मैं तो हार गया, फालतू में दिमाग खराब हो गया। और गाइस यहाँ पर हमारा जो मॉन्स्टर ग्रीन हल्क है वो हार गया, अब जा रहा है हमारा दूसरा हल्क जीतेगा। तो गाइस लगता है ये वाला हल्क तो बहुत ही जोश में और ये जीत के दिखाएगा। फ्रैंकलिन जीतूंगा तो मैं ही। तो गाइस ये शी हल्क को भी हम देखेंगे वो जीतेगी या नहीं। फिलहाल तो दोस्तों हमारा जो ये वाला हल्क है वो जा रहा है और यहाँ पर बहुत ही खतरनाक रास्ता है। अरे दोस्तों बाइक लेकर जाना क्या सही रहेगा यहाँ पर? वैसे एक पॉइंट ये भी है कि हम जल्दी जा सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट ये भी हम गिर भी सकते हैं। हल्क बहुत तेजी से चढ़ेगा और हल्क जीत कर दिखाएगा। तो गाइस यहाँ पर जो हल्क है वो काफी आगे तक पहुंच गया है, लेकिन इससे आगे तो अभी वो मॉन्स्टर ग्रीन हल्क भी पहुंच गया था और वो आगे तक गिर गया था। नहीं हल्क बहुत फास्ट है। अरे बाप रे रैंप कितना खतरनाक है गाइस, इतने पतले रास्ते हैं। यही तो मजे की बात है बच्चे, यहाँ पर जो भी रैंप को पूरा कर पाएगा वही स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली का हिस्सा होगा। ऐसी बात है। तो गाइस यहाँ पर देखिए इस हल्क को, ये काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हल्क बहुत ही खतरनाक है, हल्क जीत कर रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये गया हल्क, अरे बाप रे मुंह पर लग गई। तो गाइस ये हल्क के बेचारे के मुंह पर लग गई बहुत बुरी वाली, लेकिन हल्क अभी भी अपना बेस्ट देकर आगे बढ़े ही जा रहा है। हल्क बहुत ही तेजी से जा रहा है और हल्क इस पे चढ़ जाएगा। अरे 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 नहीं, हल्क नीचे गिर गया, हल्क को बचाओ। और गाइस यहाँ पर इसी तरह से हमारा दूसरा हल्क भी हार गया, लगता है ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली का मेंबर तो है लेकिन इतना पावरफुल नहीं निकला। कोई बात नहीं है, मैं जीत जाऊंगी फ्रैंकलिन, तो देखता रहे। अब देख ये क्या मैंने ऑन और ये गई मैं सीधी इस तरह से और जल्दी जल्दी जाती हूँ और जीत के दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पर शी हल्क भी निकल चुके अपनी बाइक पर, लेकिन यहाँ पर इसको भी बाइक से उतरना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये बाइक को चला नहीं सकती। अरे बाप रे लग गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं है पिताजी, आप चिंता मत करो मैं जीत के दिखाऊंगी। ठीक है मेरे बच्चे, तो जीत कर दिखा, मैं इंतजार कर रहा हूँ और हमारी फैमिली की स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर बन जा। बिल्कुल, वैसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर तो मैं बन रहा क्योंकि यहाँ पर शी हल्क भी काफी ठीक है, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा प्रो। अबे चुप रहे फ्रैंकलिन, तू देखता रह, रे बाप रे पापा जी बचाइए मैं नीचे गिर रही हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, ये तू चीटिंग हो गई। तो गाइस यहाँ पर शी हल्क भी बेचारी हार चुकी है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छे से ट्राई करूंगी फ्रैंकलिन, फिर हराऊंगी तुझे। तो गाइस यहाँ पर अब मेरा नंबर है और यहाँ पर हम चलते हैं जल्दी से। अरे फ्रैंकलिन तू तो हार जाएगा बहुत ही जल्दी, तू देखता रहे। हाँ वो तो देखा जाएगा शी हल्क, तू चिंता मत कर, पहले मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। अरे यार यहाँ पे सबसे पहले मुझे अपनी बाइक को रोकना पड़ेगा। दोस्तों गाइस अगर आप चाहते हैं मैं जीत जाऊं तो एक राज की बात बताऊं, आप प्लीज कमेंट में जल्दी से फ्रैंकलिन ओपी लिख दो, फिर आप जादू देखना, मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल पे आ जाऊंगा कि मैं जीत कर ही दिखाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अबे फ्रैंकलिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बार मेरे दोस्तों को लिखने तो दे फ्रैंकलिन ओपी, फिर देखना शी हल्क मैं जीत जाऊंगा। तो गाइस यहां पे काफी पतला रास्ता है और बड़ी मुश्किलों से मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन दोस्तों यहां पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अरे बाल बाल फंस गया दोस्तों, मैं जस्ट अभी गिरता। अरे बाप रे यहां पर गाइस
बड़े ही मुश्किलों से मैं सामना करके इस रैंप पर चल रहा हूँ, बड़ा ही खतरनाक रैंप है। मेरे बच्चे तो काफी आगे पहुंच गए, यहाँ पर बहुत ही संभावना है कि तू जीतेगा। बिल्कुल ग्रैंडफादर जी, यहाँ पर मैं सबसे ही आगे पहुंच गया। अरे बाप रे गाइस, बड़ा ही खतरनाक रोड है इस वाले रैंप का तो। अरे बाप रे गाइस, अरे फ्रैंकलिन जल्दी हार, हारता क्यों नहीं है? मैं क्यों हारूं, मैं तो जीत कर दिखाऊंगा कुछ भी हो जाए। अरे बाप रे, ये देखिए गाइस, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर मैं काफी आगे आ चुका हूँ। अरे बहुत ही सही, लेकिन ये वाले पाइप कैसे? अरे बाप रे दोस्तों, बस मुझे लास्ट पॉइंट तक पहुंचना होगा। अरे फ्रैंकलिन हार जा, फ्रैंकलिन हारेगा, फ्रैंकलिन हारेगा। नहीं हारूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और गाइस मैं बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुंच गया, और देखिए दोस्तों यहाँ पर ना मैं पहुंच चुका हूँ पूरे टास्क वन को कंप्लीट करके वापस से ग्रैंडफादर के पास। बहुत बढ़िया बच्चे, अब यहाँ पर मैं तुझे अपग्रेड करूंगा क्योंकि तूने काफी अच्छा चैलेंज दिखाया। और टास्क टू में तुझे पहुंचना होगा क्योंकि टास्क टू में ही तू सबसे ताकतवर मेंबर का है फैमिली बन पाएगा। तो गाइस यहाँ पर मुझे अगर सबसे ताकतवर मेंबर बनना है तो टास्क टू खेलना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल भी देखिए मैं कितना ही ताकतवर बन गया। बिल्कुल सही कहा बच्चे, तू काफी सही लग रहा है। तो गाइस अब हम चलेंगे सीधा टास्क शुरू करने, तो टास्क शुरू करें। नहीं बच्चे यहाँ नहीं, उसके लिए तुझे मैं दूसरी लोकेशन पे लेके जाऊंगा। ऐसी बात है तो ये गाइस हमने अपनी पावर्स एक्टिवेट की और फाइनली हमारा टास्क टू भी स्टार्ट हो चुका है। अरे फ्रैंकलिन देख रहा है, इस बार जीतूंगी मैं, जीतूंगा इस बार हक जीतेगा। सुनो मेरे बच्चों, यहाँ पर टास्क टू स्टार्ट होने वाला है, तुम सब तैयार हो जाओ। जी हम तो तैयार है गाइस, जैसे टास्क टू स्टार्ट होगा मैं अपनी पावर्स फिर से एक्टिवेट कर लूंगा और मैं हल्क में बदल जाऊंगा। इस बार तो मैं ताकतवर फैमिली का ताकतवर मेंबर बनूंगा सबसे ज्यादा। अरे मैं बनूंगी, तू देखता रहे फ्रैंकलिन। अरे बच्चे लड़ना बाद में, पहले मेरी बात सुनो, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक जेट्स रखे हैं मैंने। अरे बाप रे गाइस, इन जेट्स में इनविजिबल बॉम्ब और बहुत ही अलग अलग तरह के खतरे है, तुम्हें इन्हें एक एक तरह से कूद के बिल्कुल लास्ट वाले जेट तक पहुंचना होगा। ये कुछ प्लेन्स और कुछ जेट है। अरे पापा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बार इन जेट्स पर कूद के दिखाऊंगा। बिल्कुल मेरे बच्चे, लेकिन ज्यादा जोर से मत कूदना, अगर ये जेट फटे तो नीचे जा सकता है। ऐसी बात है पापा जी, कोई बात नहीं, मैं बहुत ध्यान से जाऊंगा। तो गाइस यहाँ पर मॉन्स्टर ग्रीन हल्क ने तो छलांग लगानी स्टार्ट कर दी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखना ये, क्या ये मॉन्स्टर ग्रीन हल्क सच में सारे जेट्स पर कूदता हुआ पहुंच जाएगा? अरे बाप रे, एक जेट तो गाइस बहुत बार बच गया फटने से, और ये तो काफी फट रहा है। तो गाइस यहाँ पर हमारा मॉन्स्टर ग्रीन हल्क का जेट फट गया, उस वजह से अनबैलेंस होकर नीचे गिर गया और यहाँ पर हमारा मॉन्स्टर ग्रीन हल्क हार चुका है। और यार मेरी किस्मत खराब है पापा जी, मैं तो हार गया, इस बार हल्क जीतेगा। तो गाइस हमारा मॉन्स्टर ग्रीन हल्क तो फैमिली का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर नहीं बन पाया, लेकिन अब हल्क जा रहा है, देखना ये क्या हल्क बन पाएगा या नहीं, वो तो हमें इस वीडियो में पता चलने वाला है। हल्क बन के रहेगा फैमिली का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइस यहाँ पर हल्क बोल रहा है कि फैमिली का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर बनकर रहेगा, लेकिन कैसे ये हम अभी देखेंगे। हल्क बहुत तेज है और हल्क बहुत ही ताकतवर है और हल्क हमेशा जीतता है। तो गाइस यहाँ पर हल्क देखिए काफी तेजी से जा रहा है, लेकिन अभी भी एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच पाया। अरे हल्क हार जाएगा, नहीं गाइस यहाँ पर हमारा जो हल्क है वो भी नीचे कूद गया। खैर कोई नहीं, अब शी हल्क जा रही है। फ्रैंकलिन इस बार देख लियो, मैं बहुत ही फास्ट जाऊंगी और मैं ना इतनी हल्की हूँ कि ये जेट भी नहीं फटेंगे और मैं जीत भी जाऊंगी। तो गाइस यहाँ पर शी हल्क बोल रही है इतनी हल्की है कि जेट फटेंगे नहीं इसके वजन से और यहाँ पर जीत जाएगी। लेकिन गाइस अगर ये जीती तो यार मेरे लिए कॉम्पिटिशन तगड़ा हो जाएगा और मुझे यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर बनने का, इसलिए गाइस शी हल्क जीतनी नहीं चाहिए। मैं जीत कर तो रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए फ्रैंकलिन देख। अरे गाइस ये देखिए यहाँ पर ये जीतने वाली थी, लेकिन इसने कुछ ज्यादा जल्दबाजी कर दी, इसलिए बेचारी नीचे कूद गई। अरे यार फ्रैंकलिन ये तो बड़ा दिमाग खराब हो गया, कोई नहीं अगली बार देख लूंगी तुझे, तू भी जरूर हारेगा फ्रैंकलिन। अच्छा तो गाइस शी हल्क बोल रही है कि मैं हारूंगा कुछ भी हो जाए, गाइस मुझे हारना नहीं है क्योंकि मुझे पता है आप सभी मेरे सपोर्ट में, इसलिए दोस्तों हम पहले वाले जेट पर कूद चुके हैं लेकिन अभी रास्ता बहुत ज्यादा लंबा है। अरे 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 आराम से, बहुत ही बढ़िया, अभी मुझे और आगे बढ़ना होगा। ठीक है इसी तरह से अगर मैं सारा सफर तय कर लूं, बहुत ही सही गाइस, ये लास्ट वाला जेट बड़ा है, अब इस पे चलना होगा। मेरे बच्चे तो जीत सकता है, शुक्रिया ग्रैंडफादर जी। और गाइस हम लास्ट वाले, बाप रे क्या कर रहे, बाप रे शुक्रिया गाइस, वो तो मैंने पैराशूट खोल लिया और मैं लास्ट वाले जेट पर पहुंच गया था और मैं यहाँ पर जमीन पर आ गया और मेरे ज्यादा चोट भी नहीं लगी, इसका मतलब मेरा ये वाला टास्क भी कम्प्लीट हो गया है। अब जल्दी चलते हैं अपने ग्रैंडफादर हल्क के पास और उनको बताते हैं कि अब हम इस फैमिली के सबसे ही ताकतवर हल्क बनने वाले हैं, मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चे, कोई नहीं फ्रैंकलिन अगली बार देख लूंगी। तो गाइस यहाँ पर ना मैं जीत गया हूँ। हाँ कोई नहीं फ्रैंकलिन अगली बार देखेंगे। मेरे बच्चे मेरी बात सुन फ्रैंकलिन, तू आया तो ह्यूमन बन के था लेकिन अब तू इस फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क बनने जा रहा है, कांग्रेचुलेशन। हाँ हल्क कांग्रेचुलेशन टू यू। हाँ गाइस मुझे हल्क बोल रहा है, हल्क ही बहुत ही बढ़िया। हाँ फ्रैंकलिन कांग्रेचुलेशन। क्या बात है, थैंक यू गाइस, बहुत ज्यादा थैंक यू। और दोस्तों अब यहाँ पर मैं बनने जा रहा हूँ इस फैमिली का बहुत ही खतरनाक मेंबर, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है इस बच्चे को बना दो इस फैमिली का सबसे ज्यादा खतरनाक मेंबर।
अरे वाह गाइस, मैं क्या ही खतरनाक लग रहा हूँ। अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट बार जरूर लिखना। स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।